मुरादाबाद भारतीय किसान यूनियन द्वारा जिला मुख्यालय पर किसान दिवस के अवसर पर किसानों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जिला अधिकारी द्वारा ज्ञापन भेजकर अपनी मांग की, जिसमें प्रदेश सचिव डॉक्टर चरण सिंह ने बताया कि नई सरकार बनने पर कहा गया था कि किसानों को बिना ब्याज के कर्ज देंगे, जो अभी तक देने तो दूर चर्चाओं में भी नहीं है। किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दिया जाए ताकि किसान कर्ज मुक्त हो व किसान सम्मान निधि अभी तक रुपए सबको नहीं मिले हैं। सब किसानों के खाते में 2,000 रुपए सरकार द्वारा भिजवाए जाएं व बिजली के बिल 2 गुने कर दिए गए हैं। किसान इसका विरोध करते हैं। सिंचाई के लिए निशुल्क बिजली मिलनी चाहिए। गन्ने का बकाया भुगतान शीघ्र करें और गन्ने का नया रेट लागत को देखते हुए 450 तय किया जाए। आज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और सभी किसान किसान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी के समक्ष एक ज्ञापन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और उसकी एक कॉपी जिलाधिकारी को दी गई है। उसमें किसानों की तरफ से सबसे मुख्य मांगे हमारी ये हैं। सबसे पहली मांग है, सरकार जब सत्ता में आई थी तो किसानों से वोट लेने के लिए कहा था कि किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देंगे और अभी तक ऋण देना तो दूर की बात है, अभी इसकी चर्चा में भी नहीं आया है। दूसरी बात, किसानों पर बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं और इसमें डीजल का जो रेट बढ़ा है उसकी महंगाई किसान नहीं झेल पा रहे हैं। लगातार कृषि की लागत बढ़ रही है और एक नीति बहुत गलत ये है कि फसल बीमा योजना के अंदर जो किसानों को जबरदस्ती बीमा थोपा गया है, उसमें जब भी किसान का कोई लाभ होता है तो उसका नुकसान होता है, उसका लाभ नहीं मिलता और उसे कंपनी पैसे को लेकर भाग जाती है। अगली बार जब पता करते हैं दूसरी कंपनी होती है, तो इसमें फसल बीमा किसान की मर्जी पर होना चाहिए, जबरदस्ती ना थोपा जाए। इस तरह की हमारी कई मांगे हैं, उसका ज्ञापन आज दिया गया है।